हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट है जीरो वर्क ये समझिए देखिये वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस्थीटा यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट उसी को एफ एस कॉस्थीटा लेते हैं अगर फोर्स एंगल पे तो यहां पे अगर कोई भी एक क्वांटिटी चाहे फोर्स चाहे डिस्प्लेसमेंट और चाहे थीटा जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो होगा तो हम बात करते हैं अलग अलग केस में जब ये तीनों क्वांटिटी जो होगा किस केस में ये तीनों क्वांटिटी जीरो आएगा तो वर्क डन हम जीरो लेंगे पहले हम बात करते हैं मान लेते हैं कि एक ब्लॉक जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी उस पर एक्सलेसन जीरो है और अगर उस पे एक्सलेशन जीरो है तो एक्सलेशन का भाई कौन आ, फोर्स क्योंकि फोर्स इज टू तो मास इन टू एक्सलेशन तो जहां एक्सलेशन वहां फोर्स तो एक्सलेशन का भाई फोर्स अगर एक्सलेशन जीरो तो फोर्स जीरो, यानी वर्क डन जीरो पहला केस समझ में आया इसी में फोर्स जीरो का क्या मतलब है हो सकता है कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा पर नेट फोर्स जीरो होगा इसका ये भी मतलब है एक तो केस ऐसा हो सकता है कि बॉडी पे फोर्स ही ना हो और एक केस ऐसा हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो तब भी वर्क डन जीरो होगा जैसे जैसे या तो फोर्स जीरो हो या तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो एक्सटर्नल नेक्स नेट एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी जीरो होगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या अगर एक्सटर्नल फोर्स है नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी मूव तो कर रहा होगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से तब भी वर्क डन जीरो होगा तो जैसे उसका केस देखिए एक ब्लॉक है ब्लॉक पे बाहर लग रहा है एफ एक्सटर्नल इस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो अगर ये एफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बराबर होगा तो नेट फोर्स होगा इस ब्लॉक पे वो जीरो होगा यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वर्क डन टोटल जीरो आएगा डन नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल जहां वर्क डन जीरो होता है आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है वो वेट लिफ्ट करता है तो वेट लिफ्ट करने से बारबल जब आप उठाते हैं तो तब भी बारबल उठा करके रखे हुए हैं एक पोजीशन पे तो तब भी वर्कडन जीरो आता है जब आप, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जो पैर आपका सीढ़ी के कांटेक्ट में रहता है वहां तो नॉर्मल लग रहा है पर इस पैर का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यहां डन होगा लेकिन जो पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ने के लिए उसमें डिस्प्लेसमेंट तो है पर वो कांटेक्ट में नहीं है लेडर के तो तब भी वर्क डन जीरो जैसे आप एक रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ते हैं तो जिस हाथ जिस हाथ से आप रोप को पकड़े वहां टेंशन तो लग रहा है पर इस हाथ का नेट डिस्प्लेसमेंट वो जीरो है तो वर्क डन बी जीरो डन अब यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड ऑन विच टेंशन एक्ट

तब भी वर्क डन जीरो होगा और आपको पता है कॉस्ट थीटा जीरो कब होगा जब थीटा 90 डिग्री हो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में 90 डिग्री पे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है तब वर्क डन जीरो होगा यानी कि फोर्स जिस पॉइंट पे जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे हुआ तब हम वर्क डन जीरो बुलाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी तो देखिए ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है और अगर 90 डिग्री है तो थीटा 90 डिग्री है तो थीटा 90 तो कॉस 90 हो जाएगा जीरो, तो विल जीरो। ग्रेविटी और नॉर्मल दोनों के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नाइनटी डिग्री पे है इसका मतलब कि ग्रेविटी और नॉर्मल दोनों का वर्क डन जीरो आएगा डन अच्छा नेक्स्ट केस देखिए नेक्स्ट केस क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल आपको पता है सर्कुलर मोशन करता है अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक जरूरी फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स और एक पार्टिकल का एक जब एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसको वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंशियल होता है यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है और जो वेलोसिटी है वो आपस में 90 डिग्री एंगल पे है यानी तो सिंपल पेंडुलम में टेंशन रोप के लगता है और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग टेंजेंट होता है तब भी देखिए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो डन आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपको पता है सैटेलाइट मोशन सैटेलाइट मोशन में क्या होता है एक सैटेलाइट अर्थ के या कोई भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इस सैटेलाइट को सर्कल में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन देता है फोर्स अब फोर्स ऑफ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी अब है और हम बोल के आए कि सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा नाइनटी डिग्री होता है तो आप ऐसा सोचिए ऐसा याद रखिए कि जब भी सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा उसका वर्क डन जीरो आएगा तो सैटेलाइट मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है तो यानी कि यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होगा इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कुलंबिक फोर्स होता है यह हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैट तो जहां भी सेंट्रिपिटल फोर्स आए वहां हम उसका वर्क डन जीरो करेंगे क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री वर्क डन जीरो तो अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है सर्कुलर सर्कल में घूम रहा है तो फोर्स वर्क डन बाय कोलबिक फोर्स विल बी जीरो समझ में आया नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है कि एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और एक आदमी लिफ्ट में है और लिफ्ट में एक मास रखा हुआ एम एक ब्लॉक रखा हुआ एम मास का और लिफ्ट जो है लिफ्ट जो है ऊपर डिस्प्लेस कर गया एच हाइट ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ लिफ्ट का तो आपको बताना है वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड एंड वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट अब ध्यान से देखिए जब ये लिफ्ट ऊपर गया एच हाइट ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया तो इस लिफ्ट वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है क्यों क्योंकि अगर हम इसी फ्रेम में चले जाए तो इस फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पे होगा और अगर ब्लॉक रेस्ट पे होगा तो इस फ्रेम वाले आदमी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का जीरो हुआ और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो जो आदमी लिफ्ट के अंदर है उसको वो बोलेगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी जीरो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सीन बाय ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट विल बी जीरो लेकिन वही आदमी अगर ग्राउंड पे है तो ये आदमी देखेगा कि लिफ्ट सहित ये ब्लॉक एच हाइट ऊपर डिस्प्लेस कर गया और नीचे एमजी लग रहा है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट पहली बात तो वर्क डन निगेटिव आएगा और कितना आएगा एम जी एच तो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है उसके लिए वर्क डन आया माइनस एमजीएच तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये है कि इस आदमी जो लिफ्ट के अंदर है उसके लिए वर्क डन जीरो है लेकिन वही आदमी जो ग्राउंड पे है उसके लिए डन अलग आ रहा है

फोर्स जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क डन फ्रेम ऑफ क्वेश्चन को देखिए इस question में आपको बोला है है, है, कि force जो होता है, वो ऐसे vary करता यानी तीनों डायरेक्शन में और ये फोर्स लगता है एक पार्टिकल पे और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है इतना से इतना यानी ये देखिए आपको फर्स्ट पोजीशन वेक्टर गिवन है ये सेकेंड पोजिशन वैक्टर की बेन है आर टू ये ये तो आपसे पूछा वर्क डन तो आपको पता है डन जो होता है वो होता है तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है क्या तरीका है? एक तो आप वैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए इसको या आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है ये तो आर वन होगा ये आर टू होगा तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है R2 टू माइनस आर तो आप डायरेक्ट इसमें से सब्सट्रैक्ट करिए ना ये आपको पता है I कैप देगा ये आपको पता है जे कैप देगा ये आपको पता है के कैप देगा तो आप टू माइनस थ्री करिए तो वो आएगा माइनस वन यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया इतना फोर्स आपके पास गिवन है तो आप करिएगा आई के साथ आई जे के साथ जे तो आपके पास वर्क डन आएगा देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक फोर्स है बीस न्यूटन का और वो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स एंड इट डिस्प्लेसेस पार्टिकल फ्रॉम इतना टू इतना यानी कि ये आर वन दिया है ये आर टू गिवन है तो आप पहले से यहां से तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते वो कैसे निकालिएगा आर टू माइनस आर वन डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करिए थ्री माइनस टू यानी कि आई कैप तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आई कैप फिर टू माइनस माइनस वन यानी कि थ्री जे कैप और फिर वन माइनस जीरो

तो आपको पता है वेक्टर में आप यूज करते हैं ए कैप इजक्वल टू ए वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डन अब ध्यान से देखिए आपको फोर्स गिवेन है किस डायरेक्शन में लग रहा है सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप तो हम फोर्स का निकाल सकते हैं कि किधर लग रहा है फोर्स इस फॉर्मूले से डन तो ये देखिए फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो ये आ गया एफ कैप अब आपको निकालना है एफ वैक्टर तो एफ वैक्टर को क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो F आ गया F कितना है 20 न्यूटन तो यहां से 20 डालिएगा कैप आप यहां से ऐसे निकालिएगा तो यहां से फोर्स आ जाएगा इतना वापस से सुनिए क्या बोला मैंने आपको फोर्स गिवन है 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पहले आपको कैप निकालना पड़ेगा तो कैप निकालने के लिए क्या करिएगा ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास एफ कैप आ जाएगा फिर आपको फोर्स वेक्टर निकालना है तो इसी फॉर्मूले से आपका पुट करिएगा कर इसमें आपको बोला की दस के जी का ब्लॉक है और इस पे बाहर से हम पचास न्यूटन लगाते हैं और सरफेस है इस सरफेस का आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू गिवन है जीरो पॉइंट थ्री और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशियंट है वो गिवन है जीरो पॉइंट टू

ये आपको गिवेन है जीरो पॉइंट थ्री और नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हैं हंड्रेड क्योंकि टेन के का ब्लॉक है तो यहां से आगे आपके पास स्टेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू थर्टी न्यूटन अब आप ध्यान से देखिए बाहर हम लगा रहे हैं पचास न्यूटन फ्रिक्शन तीसरी न्यूटन है यानी ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा और जैसे ही ब्लॉक में मूवमेंट आया तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है स्टैटिक फ्रिक्शन ही विद द विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स चेंज होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा जब रुका हुआ पर ये चल रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं म्यू एस का कोई मतलब नहीं अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको लिखेंगे 0.2 नॉर्मल तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया पीछे ट्वेंटी न्यूटन डन अब देखिए आपको निकालना है वर्क टन तो आपको पता है वर्क डन में आपको दो चीज चाहिए एक तो फोर्स चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अलग अलग फोर्स के लिए आपको निकालना है तो अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का फर्स्ट फोर सेकेंड में और पार्टिकल जो है ब्लॉक जो है स्टार्ट हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन लगाइएगा इसलू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एक्सेलेरेशन आ चुका है हमारे पास सो so, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर U तो जीरो अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन टाइम हमें गिवन है फोर सेकेंड अच्छा एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालिएगा F नेट अपॉन एम एफ नेट कितना है आगे पचास पीछे काइनेटिक बीस तो पचास माइनस कितना हो जाएगा पचास माइनस आपके पास हो जाएगा

एड करिएगा इसको add करिएगा टोटल वर्क डन आएगा Next question इस क्वेश्चन में आपको बोला गया एक पांच के जी का ब्लॉक है और इसको हम एक थी लाइट स्ट्रिंग के हेल्प से इसको ऊपर पुल करते हैं विध एक्सलेशन टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ब्लॉक का एक्सलेशन है ऊपर डन अब आपको बोला कि फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट फोर सेकंड बाय द फॉलोइंग फोर्सेस कौन कौन टेंशन ग्रेविटी टोटल वर्क डन भी बताना अब आप ध्यान से देखिए अगर हम इस ब्लॉक को एक लाइट स्ट्रिंग के हेल्प से ऊपर खींच रहे हैं ए एक्सलेशन से एक्सिलेशन गिवेन है टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अब आप देखिए कि कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन यू इनिशियल जीरो है

बॉडी डायग्राम ऊपर टेंशन नीचे एम जी डन और ऊपर है आपके पास एक्सलेन तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा टेंशन हो जाएगा एम इंटू जी इफेक्टिव एम इंटू जी इफेक्टिव लिखेंगे और मास है पांच के जी तो टेंशन आ जाएगा आपके पास इतना फिर आप यहां वैल्यू रखिएगा वर्क डन डिस्प्लेसमेंट है टेंशन ऊपर था डिस्प्लेसमेंट ऊपर था इसलिए वर्क डन पॉजिटिव पर तो ग्रेविटी तो को एड कर दीजिएगा तो बारह सौ पचास माइनस एक हजार तो आपके पास आंसर आएगा क्वेश्चन देखिए इसमें बोला है कि एक दस के जी का ब्लॉक है और उसको नीचे लाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट स्ट्रिंग यानी कि ये मान लेते हैं आपके पास कि ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग के नीचे ब्लॉक रखा हुआ है और हम स्ट्रिंग को ऊपर से पकड़ करके नीचे उसको लेके आते हैं तो वही स्ट्रिंग को पकड़ करके ऊपर खींच करके नीचे इसको लेके आते हैं और आपको बोला कि सिक्स मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से नीचे लेके आते हैं और डिस्टेंस सिक्स मीटर तक कितना डिस्प्लेसमेंट दिए सिक्स मीटर आपसे पूछा है वर्क डन द फोर्सेस अब आप देखिए आप इसको ऊपर से खींच करके टेंशन लाइट रूप से खींच करके नीचे लेके आ रहे हैं कितने एक्सलेन से सिक्स मीटर पर से तो वर्कडन क्या होता है फोर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा लग रहा है MG और टेंशन तो इसी के कारण वर्क डन आएगा तो पहले निकालते हैं वर्क डन बाय टेंशन अब देखिए टेंशन आप ऊपर लगा रहे हैं रस्सी को आप ऊपर खींच रहे हैं और धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं तो टेंशन ऊपर है फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो आ गया

वो आ जाएगा एम जी इंटू डिसप्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है मास है टेन जी टेन हंड्रेड इंटू सिक्स और टोटल आ जाएगा दोनों को एड करिएगा